नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में एयरलाइन के क्रू मेंबर सूरजमान की हत्या के मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने काजल खत्री को गिरफ्तार कर लिया और नोएडा पुलिस ने काजल को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है और काजल पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। काजल ने गैंगस्टर कपिल मान उर्फ कल्लू के गैंग से जुड़े कई घटनाओं को अंजाम दिया था। लेडी डॉन के नाम से काजल मशहूर हो रही थी और सूरजमान हत्याकांड में काजल ने गैंगस्टर कल्लू उर्फ कपिल मान और साथी शूटर के बीच में बातचीत कराई थी और मीडियम का काम किया था और इसके अलावा गैंगस्टर के इशारों पर शूटर को पैसे भी काजल से ही मुहैया कराया गया था। इसके अलावा पुलिस को कोर्ट से काजल की 24 घंटे की रिमांड भी मिली है और माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे इस रिमांड में हो सकते हैं। 10 लोगों का नाम प्रकाश में आया था और काजल खत्री सहित अब तक टोटल 10 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है। गंभीर धाराओं में काजल खत्री को आज ट्रांजिट रिमांड में लिया गया है और पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ है कि काजल खत्री ये कपिल मान की पत्नी है। 2016 में इसने शादी की थी उससे, आधार कार्ड अन्य अभिलेखों से ज्ञात हुआ है। जेल में मिलने जाती थी। जो सूरजमान की हत्या थी उसमें पूरी इसकी प्लानिंग थी, हत्या के पहले भी ये मिल करके आई थी। इसके द्वारा बताया गया है कि ये जो गैंग के और सदस्य थे जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उनके द्वारा मिलकर उनको शेल्टर देना, पूरी घटना की पूरी जानकारी इसके द्वारा कबूल किया गया है। जौनपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 2 महीने पहले दफन हुई लड़की को जिंदा देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। दफन की गई लड़की को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ में प्रयागराज से पकड़ा है। 4 जुलाई को बेसफ नदी में एक अज्ञात लड़की का शव मिला था जिसकी पहचान नहीं हुई थी और साथ ही बाद में मुस्तफाबाद गांव निवासी फिरोज अहमद ने अपनी 20 साल की बेटी राशिदा के रूप में शव की पहचान की थी और उसे दफन किया था। लेकिन मामला अब उलझ गया है क्योंकि जिस राशिदा को मरा हुआ समझकर दफन किया गया था वो अब अपने प्रेमी के साथ में मिली है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नदी में मिली लाश किसकी थी। राशिदा से पूछताछ के बाद में पुलिस ने प्रेमी इंद्रजीत यादव के साथ उसे छोड़ दिया। लड़का बैंगलोर में नौकरी करता है और प्रेमिका को अपने साथ ले गया, लेकिन पुलिस अब उस लाश की पहचान करने में जुटी हुई है जो नदी से मिली थी जिसे दफनाया गया था। अभी कुछ महीने पहले मतलब जुलाई में, 4 जुलाई को एक लाश मिली यहाँ छोटी मानी के पास। तो वहाँ से थाने से खबर आई कि एक लाश मिली, आकर देख लो। जो अभी उससे 14 मई को कि 13 मई को यहाँ से एक लड़की गायब हुई थी रुखसार नाम की, तो लगा कि उनकी लाश होगी। तो उनके घर वाले गए और उनको लगा कि उन्हीं की लाश है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो अभी जिंदा और थाने पर आई हैं। और आगरा में दीवानी गेट के बाहर बदहवास हालत में मिली महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि उसके पति ने 3 लाख रुपए में उसे बेच दिया है और पति ने 2 लोगों के हाथों उसे सौंप दिया। फिर वो दोनों शख्स 5 लाख रुपए में कहीं और बेचने जा रहे थे, लेकिन मौका पाकर महिला किसी तरह से भाग निकली। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अपने साथ लेकर पूछताछ शुरू की। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दीवानी का मामला है। और गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर चलती बस के आगे एक शख्स कूद गया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और खबर गाजियाबाद से है जहां पर 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन की चपेट में एक शख्स आ गया जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। शख्स मसूरी थाना इलाके के नहाल गांव का रहने वाला था। कौन है भैया, कौन है? बुला लो यार, तुम तो परे पहुंचो। ए 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 और पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीलीभीत और आसपास के जिलों में 33 केवी के तारों की चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने तार चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही चोरों के पास से एल्यूमिनियम के 4 क्विंटल तार भी मिले हैं। कुछ दिनों पहले ही 2 किलोमीटर बिजली की तार चोरी करने का मामला दर्ज हुआ था जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया।
थाना क्षेत्र में पीलीभीत में एवं अन्य जनपदों में इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो अमरिया पुलिस ने अपनी टीम के साथ बहुत बेहतर काम करते हुए बहुत कम समय में इन सबको गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 2 चार पहिया वाहन, 4 क्विंटल चोरी की तारें, कुछ मोबाइल और नकदी बरामद भी की गई। सोनभद्र में रेहंद बांध लबालब भर चुका है पानी निकालने के लिए। रेहंद बांधी के 10 फाटक भी खोले गए हैं जबकि ओबरा डैम के 5 गेट खुले हैं। रेहंद बांध में पड़ोसी राज्यों से लगातार पानी आ रहा है जिसके चलते बांध का जल स्तर 872.5 फीट तक पहुंच गया है। और कानपुर में 2 महीने में 2 रेल के हादसों का शिकार बनाए जाने की साजिश सामने आने के बाद में रेल अधिकारी एक्शन में आ गए हैं और साथ ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। कानपुर में उत्तर मध्य रेलवे के DRM और पुलिस कमिश्नर ने मंधना से लेकर शुक्लागंज तक रेलवे ट्रैक का स्पेशल ट्रेन से निरीक्षण किया और ट्रैक के किनारे बस्तियों को बारीकी से देखा और उसके बाद में रेलवे अधिकारियों ने ये फैसला लिया है कि अब रेलवे ट्रैक के किनारे बस्तियों को खाली करवाया जाएगा। जो वहां पर पक्के मकान बने हुए हैं उनका सत्यापन भी कराया जाएगा। कानपुर में 1 महीने में 2 घटनाओं ने रेल के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस एजेंसियों के भी माथे पर पसीना ला दिया है। साबरमती एक्सप्रेस की बात करें या बात करें कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन में डिरेल करने की योजना भले ही विफल रही मगर उसके बाद से रेल पुलिस RPF ATS NIA की टीम युद्ध स्तर पर जुटी और ऐसे में रेल के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से ट्रैक्स का निरीक्षण किया। सर न्यूज़ 18 की उन्हीं ट्रैक्स पर है। अगर हम बाएं हाथ की ओर दिखाने के प्रयास करेंगे कि रेलवे के ट्रैक के किनारे लगभग 2000 से ज़्यादा छोटी बड़ी झोपड़ियाँ और लोग रह रहे हैं। अब इनकी कुंडलियाँ खंगालने में रेल के अधिकारी लगे क्योंकि एक सूची तैयार की जा रही है जिस सूची के बिहा पर ये चीज़ सामने आएगी कि कितने फैमिलीज रह रही हैं, कितने अनऑथराइज हैं, इनमें क्या क्या फैमिली मेम्बर्स, इनके राशन कार्ड्स हैं कि नहीं, इनके आधार कार्ड है कि नहीं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर अब पुलिस और रेल के अधिकारी जाँच में जुटे हैं। अगर सूत्रों की माने तो अब एजेंसीज एक साथ काम करेंगी और एक सूची को तैयार करेंगी जिसके बाद ये सूची रेल के अधिकारियों को दी जाएगी और इन अवैध बस्तियों को और अवैध रहने वाले लोगों को जो रेलवे पटरी किनारे उन्हें हटाने की कवायद शुरू की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सके। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मुजफ्फरनगर में दिल्ली पुलिस और UPSTF की दिल्ली के बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई जिसमें हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर अनस और असद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 1 तमंचा कारतूस और साथ ही 1 कार भी बरामद हुई है। इन बदमाशों पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई मुकदमे भी दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। इनके पास से 3 अदद पिस्टल, 9 अदद जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस और 1 चोरी की गई सेल्टोस कार बरामद हुई है। इसमें जो अनस खान है इसके ऊपर 2 हत्या के प्रयास संबंधी कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही जो असद है उस पर चोरी और आर्म्स एक्ट सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं। इनके संबंध में अन्य जानकारी भी की जा रही है और इस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। रिटायर्ड IAS मोहिंदर सिंह के आवास से ईडी की छापेमारी में 7 करोड़ रुपए के हीरे बरामद हुए हैं। नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी हेसिंडा प्रोजेक्ट के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी और ईडी ने नोएडा, मेरठ, दिल्ली और साथ ही चंडीगढ़ में ईडी की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान ईडी की टीम को उनके आवास से 1 करोड़ रुपए कैश, 7 करोड़ के डायमंड भी मिले हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मायावती सरकार में मोहिंदर सिंह कई प्रमुख पद पर रहे हैं और मोहिंदर सिंह नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। BSP सरकार में मोहिंदर सिंह को कद्दावर IAS माना जाता था। मायावती सरकार के दौरान हुए स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच में भी मोहिंदर सिंह को पूछताछ का नोटिस भेजा गया था। हालांकि तब उनकी ओर से बताया गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में है।
ईडी ने देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है और नोएडा, मेरठ, दिल्ली और साथ ही चंडीगढ़ में ईडी की टीम ने छापेमारी की। मेरठ के शारदा ग्रुप में भी छापेमारी हुई है, पूछताछ की गई। आदित्य गुप्ता के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए के हीरे भी मिले और नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी हैसिंडा प्रोजेक्ट के ठिकानों पर ईडी छापों से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि नोएडा में रिहायशी प्रोजेक्ट में घपलों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन लिया गया और फिलहाल पूछताछ जारी है। रियल एस्टेट कंपनी हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 11 ठिकानों पर 2 दिन तक ईडी की छापेमारी चली है। इस छापेमारी में 1 करोड़ रुपए नकद, 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है, तो वहीं 6 बैंक लॉकर्स और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में यूपी कैडर से रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। मोहिंदर सिंह के आवास से 7 करोड़ रुपए के हीरे बरामद हुए हैं, तो वहीं मेरठ में शारदा एक्सपोर्ट के डायरेक्टर आदित्य गुप्ता के ठिकाने पर भी इस मामले में छापेमारी हुई है, जहां से 5 करोड़ रुपए के हीरे बरामद हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस कंपनी के डायरेक्टर्स और पूर्व डायरेक्टर को भी पूछताछ के लिए ईडी तलब कर सकती है। ये बताया जा रहा है कि नोएडा में एक आलीशान रिहायशी प्रोजेक्ट के नाम पर घपला किया गया है, वसूली गई रकम शेल कंपनीज में डाइवर्ट की गई। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। अंतरजातीय और प्रेम विवाह को लेकर बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक मुद्दे पर फैसले देने से पहले जज को सामाजिक ताने बाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे फैसले से भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। शादी विवाह की बात कर ली, कोई कहे भी शादी कर लो, मान्य सुप्रीम कोर्ट इस उसमें ध्यान दे, ऐसे ऐसे निर्णय न ले। लड़की को हम पढ़ावे लिखावे और इस तरह के कदम उठा ले, बस शादी का ही कर ले तो क्या होगा, उस बारे में भी बहुत कुछ सोचने की वह है। लड़कियों की जनसंख्या ऐसे ही कम हो रही, मैं खोल के ही बता रहा आप लोगों को, इसी तरह तो लड़कियों की जनसंख्या कम हो रही कि मैं कोई केस हो जाए और बस लड़की किसी के पैदा होगी तो उन्होंने सोचा कि भैया 16-17 साल की होकर 18 साल की होकर या इस तरह के कदम उठाऊंगे तो उसके साथ लड़की कुछ भी कर सके। ये शहरों में चलता होगा या किसी और स्टेट में और उसमें चलता होगा, ये जो यहाँ से हमने अंकित सभ्यता देखी ऐसी ऐसा नहीं चाहता करना। इसमें मान्य सुप्रीम कोर्ट को इसमें तो निर्णय लेना चाहो और इस फैसले को ये सब वापसी दो। ये ना कहो जाओ भाई जिसके जब हम लड़की को पढ़ावे लिखावे और उसमें 30-40-50 लाख रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च कर दे और वह शादी कर ले अपनी मर्जी से, तो क्या 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 मतलब है ऐसे उसका, क्यों पढ़ाओगे हम लड़की को भाई। तो यही तो हो रही है, मतलब सारा अपने जो जीवन की सारी कमाई है सारी लड़की की पढ़ाई लिखाई पर लगा दे और वो घर से भाज के शादी कर ले किसी और बिरादरी में, किसी होर में, जब में या कहीं में भी, कोई भी बात नहीं है, अपने गांव में शादी अच्छी लगे। तो इस पर हम सख्त खिलाफ है इस बात के। हम यह कहें सरकार तो बनती बिगड़ती रहे पर इससे देश टूट जाएगा। इसे देश को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान पर खाप के चौधरियों ने भी समर्थन किया है। शामली के खाप चौधरियों ने कहा कि अगर इस तरह से लड़के लड़कियां आपस में शादी कर लेंगे तो समाज का क्या होगा। आपने ठीक कहा, लड़की लड़का उसके माँ बाप उसे पढ़ा लिखा के पूरा खर्चा उस पर उठा के उन्हें अपनी राह पर चलने के लिए कामयाब करें। मैं ऐसा कार्य कोई ना करें जिस टाइम उसके माँ बाप को समाज को कोई ठेस पहुंचे।
ये एक परंपरा है हमारे समाज की, या आज से नहीं हमारे पूर्वजों से चली हुई आ रही, खाप समाज और जनता ये इसी दायरे में बंधे हुए हैं। न्यायपालिका का ये सभी सम्मान करें, न्यायपालिका कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे इस समाज की गरिमा को ठेस पहुंचे। मानते उनने तो ठीक कहा, मारे तो गोत भी मानने, जिस गोत में तो लड़की आवे उस गोत में नहीं बैठते। क्या होना चाहिए? गलत बात है, किसी राज में हुआ ही नहीं ये काम, बहुत राज आए। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा कि इन चीजों को, सुप्रीम कोर्ट की क्या अंगमारी है, या तो हमारी परंपरा चली आ रही, या तो हमारी परंपरा चली आ रही। जितना अच्छा सोच सके बच्चों के लिए वे खुद नहीं सोच सकते, माँ बाप की इच्छा तो ही शादी होनी चाहिए, हमेशा तो जैसे होती आ रही वो बेटर है, ये नियम गलत है बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो नियम बनाया इसको तो हटाना चाहिए जी 100%। देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा विचार करो इस बात पर, अगर नहीं गलत बात नहीं तो बिरादरी खत्म हो जाएगी। अच्छा इससे तो बढ़ावा मिल जाएगा, और जो करना चाह रहे थे उन्हें तो इतना बढ़ावा मिल जाएगा, वे तो पता नहीं कहाँ तक कहाँ फिर करेंगे ब्याह, किसी बिरादरी में कर सकेंगे तो ब्याह भाई, फिर क्या रह जाएगा। फिर देखो जब आदमी लड़की की शादी करे वो अपनी उसकी माँ तक का गोत्र भी ढूंढे उसमें, या कौन से मारे मारी है, किसकी कहाँ इसके मम्मा है, कहाँ के हम है, अगर नहीं जी सारी चीज ढूंढ के ही जब हम लड़के की शादी करते हैं। देखो लेकिन ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट को मानने को ऐसा पर विचार करना चाहिए भाई। वे बढ़िया कह रहे हैं अपने हिसाब से, समाज में रहना, समाज में रह चाहिए दूर से, फिर तो बहन भाई कर लग फिर कह रहे जगह हाँसी डूब का मन कोई जगह नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को कल इस बात का आदेश कर रहा, बताओ वापिस लेने चाहे तो बहुत ही गलत बात है, समाज नहीं रहना का फिर तो, कुछ रहता ही नहीं धंधा। नरेश टिकैत के प्रेम विवाह को लेकर दिए गए बयान पर गाजियाबाद के युवाओं का कहना है कि वो लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ सगोत्र विवाह में साइंटिफिकली डीएनए की दिक्कत आती है, जो कि बाद में आने वाली संतानों में गंभीर बीमारी पैदा करती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मेरी खुद अभी 3 साल पहले अरेंज मैरिज हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप युवा से पूछेंगे तो वो तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहेगा और प्रेम विवाह की तरफ ही बायस रहेगा। बट अगर साइंटिफिक रीजंस के पीछे देखा जाए तो हम अगर सेम गोत्र में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शादी नहीं होनी चाहिए। गोत्र मतलब जाति का जो अपना गोत्र कहलाता है, कई लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें एक बहुत भयंकर बीमारी जो हमारे डीएनए सीक्वेंसिंग होती है वो मैच नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी बीमारी के रूप में एपिडेमिक हो जाएगा इंडिया में। तो अगर हम जैसे हम क्लैन है नॉर्थ इंडियन, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट या साउथ से शादी करें। जहाँ तक नरेश जी की बात है, उन्होंने जो भी कहा है मैं उससे सहमत हूँ, और किसी भी हाल में चलिए प्रेम विवाह तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन सहगोत्र विवाह तो बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए सहगोत्र, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी काफ़ी इफेक्ट मारेगा, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए सहगोत्र। मेरे को यहाँ देखने को भी मिला जहाँ ये बताया कि आप गैर धर्म में शादी कर सकते हैं, गैर कास्ट में शादी कर सकते हैं, लेकिन जो गोत्र वाली बात कही गई, जो साइंटिफिकली भी काफ़ी सही मानी जाती है कि अगर आपके गोत्र सेम रहेंगे तो ऐसे में आपका डीएनए वाली जो दिक्कत है वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा देखने को भी मिलेगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। हापुड़ में भी बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के बयान का समर्थन करने ज्यादा युवा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सगोत्र विवाह करना हमारी सभ्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला वापस लेना चाहिए कि कोई कहीं भी विवाह कर सकता है। 18 साल के बाद बालिक हो जाता है बच्चा, वो अपने ऊपर निर्भर हो जाता है, उसको शादी करनी है या ना करनी वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। फिर उसे अपने, अगर उसे कोई विवाह भी करना है तो वो अपने परिवार में जाके उस बात को शेयर करें और परिवार के अनुसार अपनी शादी में करें। मैं सोचता हूँ कि यदि कोई गांव में ऐसा करता है तो उससे थोड़ा सा गांव की मेरे फर्क पड़ता है। हमारे गांव के पड़ोस में कोई लड़की अगर उस चीज़ में शादी कर ले तो पड़ोस में ज़्यादा मतभेद रहते हैं, तो इससे तो मेरा मानना एक चीज़ अलग है। आप भी एक युवा हैं, कितनी उम्र है आपकी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उम्र 19 साल है, परिवार की सहमति से जो काम हो जाए वो सही है, अगर परिवार की बिना सहमति के कुछ काम करोगे वो गलत है। किसी भी टॉपिक को ले लो आप,
छोटा टॉपिक ले लो या कोई बड़ा टॉपिक ले लो, शादी के ऊपर ले लो या किसी काम करने के ऊपर ले लो, वो फैसला लेना है तो कोई भी फैसला प्रयागराज के मांडा में ज्वेलर्स का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। 26 साल के संदीप उर्फ सोनी की हत्या की गई है और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और साल 2018 में सोनू के भाई सौरभ सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों का कहना है सोनू भी साजिश का शिकार हुआ है। मुजफ्फरनगर के नए डीएम ने रिश्वतखोर कर्मचारियों की शिकायत करने वालों को इनाम देने की बात कही है। जिला पंचायत सभागार में किसान दिवस पर किसानों को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया गया, अगर कोई भी कर्मचारी किसी से पैसे मांगता है तो वो सीधे उनसे संपर्क करे। रिश्वतखोरी की शिकायत करने वाले को 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अभिनव प्रयोगों वाला जिला है, यहाँ के किसान बहुत प्रगतिशील है और उनकी समस्याएं सुनी गई और हमारा ये प्रयास होगा आने वाले समय में किसानों को तकनीक से जोड़ना, उनकी उपज को बेहतर मूल्य दिलाना और जो विश्व में उनके उपज को, उनके उत्पाद को प्रतियोगात्मक बना करके पूरे विश्व में यहाँ की खेती, यहाँ के उत्पाद को लोगों तक पहुँचाना।